मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके वचन पत्र का एक वादा याद दिलाते हुए कहा, कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रामाणिक बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष पैकेज देना तो दूर, वो तो जैविक खेती को ही भूल गए थे। वहीं इस दौरान सीएम ने इंदौर में ग्रीन बॉन्ड जारी करने के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज से कांग्रेस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, अब मुझे कांग्रेस की हालत के बारे में कुछ नहीं कहना है, वो आपस में ही कह रहे हैं, यहाँ दिल जुड़ रहे हैं, वहाँ हाथ नहीं मिल रहे। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ, फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को यह जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखने की थी सब लिख दी, लेकिन जो कहा गया, जो वादे किए गए, वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। कमलनाथ, आपने वचन पत्र में वादा किया था कि जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रामाणिक बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष पैकेज देना तो दूर, वो तो जैविक खेती को ही भूल गए थे। चौहान ने कहा, कमलनाथ आपने जो कहा वो आपने किया ही नहीं। यहाँ दिल जुड़े हुए हैं, वहाँ हाथ नहीं मिल रहे। कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो आपस में ही कह रहे हैं। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ, फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को ये जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखनी थी सब लिख दी गई, लेकिन जो कहा गया, जो वादे किए गए, वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में, जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, मुझे आज यह बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है, उसमें से हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार है कि इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। इंदौर नगर निगम का बिजली का खर्च कम करने के लिए उन्होंने तय किया था कि नर्मदा का जल खरगोन के जल्दी से आता है, वहां वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए पैसे की जो जरूरत है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उसे इकट्ठा करेंगे। इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया, पहले ही दिन केवल 2.5 घंटे के अंदर ही ओवर प्राइस हुआ और लगभग 650 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड भरे गए। अभी 2 दिन और शेष है, जरूरत थी 244 करोड़ रुपए की, 305 करोड़ रुपए में यह पूरा पावर प्लांट लगेगा। लेकिन इंदौर पर और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हम हरित क्रांति के लिए काम कर रहे हैं उस पर विश्वास करके लोगों ने अपनी तरफ से अपने बॉन्ड भरे हैं। शहरों को विकसित करने की एक नई राह मिली है, इस तरह के बॉन्ड बाकी शहरों में भी जारी करके हम विकास के लिए भी धन जुटा सकते हैं और ग्रीन एनर्जी का उत्पाद करके पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। चौहान ने कहा, मैं इंदौर, इंदौर नगर निगम, जनप्रतिनिधियों व इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है, उसमें से एक हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार। इंदौर ने, नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। इंदौर में बिजली का खर्चा नगर निगम का, उन्होंने तय किया कि उस खर्च को कम करने के लिए नर्मदा जी का जल खरगोन जिले के जलूद से आता है, वहाँ वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का, उसके लिए बिजली की जो जरूरत, उसके लिए पैसे की जो जरूरत है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे। तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 2.5 घंटे के अंदर ही कर ओवर सब्सक्राइब हुआ और कल लगभग 650 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड भरे गए। अभी 2 दिन और शेष है, जरूरत थी 244 करोड़ रुपए की, 305 करोड़ रुपए में ये पूरा पावर प्लांट लगेगा। लेकिन इंदौर पर और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हरित क्रांति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए, उस पर विश्वास करके लोगों ने अपनी तरफ से ये अपने बॉन्ड भरे हैं। एक नई राह और मिली है शहरों को विकसित करने की।
कि हम इस तरह के बॉन्ड बाकी शहरों में भी जारी करके हम विकास के लिए भी धन जुटा सकते हैं और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करके पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। मैं इंदौर, इंदौर नगर निगम, इंदौर के जनप्रतिनिधियों को, इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई दे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।